साथियों, मैं आदि रक्षा ऐसा संगठन आप सभी साथियों का इस्तकबाल करते हैं और आप सभी साथियों को जय भीम लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, एएमयू में जो कुछ भी हुआ या किसी भी यूनिवर्सिटी का अटैक हुआ उन पर बात रखेंगे। उसके पहले इस पोस्टर में आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूँ, उसमें लिखा है सौभाग्य और उसमें जो दोनों आदमी का फोटो है, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। बिल्कुल, जो पहला हमला यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हुआ वो एसयू से शुरू हुआ। रोहित बेमुला, जिसकी संस्थानिक हत्या करने के बाद भी एबीवीपी के गुंडे और वहां के वाइस चांसलर अप्पा राव वो अभी भी बने हुए हैं। और इस सरकार ने जितने भी वाइस चांसलर अपॉइंट किए हैं, इन सारे के सारे वाइस चांसलर ढोल, और हमारे नरेंद्र मोदी साहब को ढोल बजाना बहुत पसंद है और ये सारे ढोल है और इनको ये दिन रात बजाते हैं, ये बचते हैं तो कम। उसके बाद दूसरा हमला आईबी रेड के थ्रू जामिया में हुआ। क्या जामिया सुनते नाम है सैयद मोहम्मद आतंकवादी घोषित कर देंगे, वो नाकाम हो गए। तीसरा हमला वो जेएनयू पे, जेएनयू में डॉक्टर वीडियो के तहत हमला हुआ, उसमें कन्हैया कुमार, उमर खाली रंगीरपान और अन्य साथियों को उन्होंने जेलों में भर दिया। लेकिन एक बहुत मुशक्कत भरे आंदोलन के बाद, एक अच्छे आंदोलन के बाद उनको रिलीज किया गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फर्जी वाला था, वो एक फर्जी डॉक्टर वीडियो था, वो एबीवीपी के गुर्गो द्वारा वो वीडियो बनाया गया था और उसको जी न्यूज और रिपब्लिक न्यूज अब खुला, पहले टाइम्स नाउ था और इनके अन्ना गोस्वामी डेली नेशन वांट्स टू नो और जेएनयू के हर लड़के को टेररिस्ट बोल देते, कहते थे वहां बम बरसा दो, वहां वीसी भी रहता है भाई, एबीवीपी के ही रहते हैं, किस पे बम बरसा दो, सिलेक्टिव बता ही दो, इतना बताना है तुमको। उसके बाद जो हमला हुआ है वो एएमयू पर हुआ। उसके पहले जामिया के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर काफी लंबी बहस चली रही और जो एएमयू पे हमला है उस हमले को समझने की जरूरत है। बीएचयू में ठीक उसी दिन रिजर्वेशन काटा गया है प्रोफेसर की बहाली में, एससी और एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को कम किया गया। उस रिजर्वेशन काटने के मुद्दे से भटकाने के लिए एएमयू में हमला सुनियोजित तरीके से कराया गया और वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के ऊपर हमला करने की साजिश में इंदौर वाहिनी के गुंडे तलवार और बंदूक के साथ कैंपस में घुसे। और जब ये कैंपस में घुसे वहां इनके नारे थे, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, भारत माता की जय। जितने घिनौने लोग हैं उसी मुंह से पहले बोलेंगे माता और फिर बोलेंगे साला, इतने घिनौने लोग हैं, ये इस किस्म के बेहुदा बदतमीज और बेगैरत लोग हैं। दरअसल संघ को दिक्कत जामिया से नहीं है, संघ को दिक्कत एएमयू से नहीं है, उसको जामिया मिलिया के इस्लामिया से दिक्कत है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम होने से दिक्कत है, ये उनकी परेशानी। संघ की इन सारी दिक्कतों को यहाँ कवर कर रहा है एक बहुत खतरनाक चैनल, रात को चलाएगा नेशन वॉच को अर्णब गोस्वामी। लेकिन खैर, उन सभी बातों से दूर जाते हुए, ये जो संस्थानिक हमले हैं, ये जो सुनियोजित हमले हैं शिक्षक संस्थानों पे, रिजर्वेशन पे, रिजर्वेशन से लेकर के स्कॉलरशिप स्कटल कर देना, सीट कट कर देना, फंड कट कर देना और अब्बा रावत जगदीश कुमार जैसे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में बैठा देना, जिनको मोदी सर पे मारेंगे तो बोलेगा बोल और बोलेंगे बैठ तो बैठ, वो उस किस्म का वाइस चांसलर। और ये जो मोदी सरकार, जो मोदी जी ने जो दलितों पर दमन किया है, जो मुसलमानों पर दमन किया है, मोदी जी ने किताब लिखी थी 2009 में, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो मजदूर, जो सफाई कर्मचारी उतरता है गटर साफ करने के लिए, उसमें उसका आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है, जो कि एक क्षण की बात है। आओ तुम भी उतरो उसमें, लो आध्यात्मिकता का आनंद, तब तुमको समझ में आएगा एक सफाई कर्मचारी की जिंदगी क्या है, एक मजदूर की जिंदगी क्या है। लेकिन इनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इनका भगवा सावरकर का टीम से चोरी, सावरकर ने कहा था, वॉल्यूम 2 है इंडियन कोर्ट का, उसमें इंडियन साल का वो बनता था, जिसमें नाम बोलिया, उसमें वॉल्यूम 2 में लिखा है आई सपोर्ट जिन्ना एंड हिज डिमांड फॉर द सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम, और उस सपोर्ट के साथ सावरकर खड़े थे और आज ये जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हैं। ये फर्जी डिबेट है, इनको बस अटैक करना चाहिए एएमयू पे। और आज अभी भी 2 बजे खबर आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धारा 144 लगा दिया गया है, इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो जब देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट की सेवाएं बंद होती है, हम चुप हो जाते हैं, हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन वो खामोशी आज यूपी के अलीगढ़ तक पहुंची है, कल बिहार पहुंचेगी, फिर वो केरला तक पहुंच जाएगी और उस खामोशी के खिलाफ हमें आवाज उठाना है और इन संघी गुंडों को एक करारा जवाब देना है कि हम किसी से कमजोर नहीं है, तुम आत्मसमर्पण वाले लोग हो, तुमने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया, हमने समर्पण नहीं किया, हम समर्पण वाले लोग नहीं है और नाम समर्पण पे यकीन करते हैं। शुक्रिया, इनकला जिंदाबाद, जय भीम लाल सलाम। शुक्रिया।